लुधियाना के फ्री बर्ड क्लब ने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। इस आयोजन में मुख्य मेहमान डॉक्टर ज्योति नंदनी जयरथ लीना शर्मा रही। इसके अलावा क्लब में कीर्ति बख्शी व नैना विशेष तौर पर उपस्थित रही। नैना के स्टूडियो की तरफ से सुंदर जन्माष्टमी का केक काटा गया। क्लब के सदस्यों की सारी मनोरंजक गतिविधियों और तंबोला खिलाया गया। क्लब में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हुए फूलों से सजाया गया, कृष्ण जी का झूला डाला गया और बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की रासलीला क्लब की सदस्यों के साथ खेली गई। और बेस्ट डांडिया प्लेयर नेहा मित्तल और मोनिका गर्ग रही। और बेस्ट डांडिया डेकोरेशन की विजेता रितु चांदना और चरणप्रीत कौर शैली का मुकाबला रखा गया, जिसकी विजेता रही क्लब की राधा बलजीत शैली रितु चांदना। क्लब की सदस्यों ने जन्माष्टमी त्यौहार को मनाते हुए एक सुंदर परफॉर्मेंस भी पेश की गई। इस मौके पर नेहा मित्तल, रितु चांदना, मोनिका बेदी, सोनिया छाबड़ा, सारिका पूजा, संस्थापक निदेशक गुनीता बिंद्रा, निदेशक अनुपमा रावल, निदेशक प्रभजोत कौर, वाइस प्रेसिडेंट परविंदर और सलाहकार और कैशियर बाबा मागो, सचिव हरविंदर खास और कल्चर सचिव मोनिका बेदी, पीआरओ सोनिया ब्राय और ज्योति का नैयर, कल्चर सेक्रेटरी मोनिका बेदी, कार्यकारिणी प्रमुख पिंकी अमन सिडाना उपस्थित रही। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से शैली राजपूत की रिपोर्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं हरविंदर कौर, सेक्रेटरी ऑफ फ्री बर्ड्स क्लब। आज असी जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया अपने क्लब विच, ते एक प्रोग्राम साड़ा बहुत सक्सैसफुल रहा। असी बहुत धूमधाम नाल जन्माष्टमी नूं मनाया हैगा। असी राधा रानी का प्रोपर लाइव शो भी दिखाया हैगा। तो साडे चीफ गेस्ट रहे ने नंदनी जी ते निधि जी, ते असी उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने साढ़े लिए टाइम कढ़िया ते सानू टाइम दिता। साढ़े नैना जी एज यूजुअल साढ़े लिए केक लैके आए, पूरी मटकी वाला केक सीगा वीला भर। वो साढ़े लिए हर बारी केक स्पोंसर करते हैं। तो नॉट बट द ली साढ़े होर भी दो स्पोंसर से जिन्होंने सानू बेकरस का गिफ्ट दिता हैगा, कृति जी, तो असी उन्हां दे भी शुक्रगुजार हाँ। तो साडा शो बहुत सक्सैसफुल रहा। साडे परफॉर्मर्स ने बहुत सोहनी परफॉर्मेंस क्लब नूं दे के चार चांद लगाते। तो नॉट बट द लीस्ट साडी क्लब की टीम इसलिए पूरा महीना मेहनत करती है, तो साडे क्लब मैंबरस उस चीज़ विच सानू पूरा योगदान देते हैं। असी अपने तह दिल नाल अपने क्लब मैंबरस का शुक्रगुजार हाँ। वी लव फ्री बर्ड्स, फ्री बर्ड्स ऑलवेज रॉक, बेस्ट क्लब ऑफ लुधियाना। हाँ जी, साडा नैक्सट फंक्शन जी असी दे रहे हैगे करवा चौथ के उपर, बस इस तो घट नहीं होएगा, इस तो उपर ही रॉकिंग शो होएगा। साडा प्रोग्राम प्लैनस के नाल बिल्कुल रेडी है, तुसी आओ नैक्सट मंथ, असी एवें इकट्ठे होके धूम मचावांगे। राधे राधे, मेरा नाम रितु चांदना है और आज हम फ्री बर्ड क्लब की और तरफ से ऑर्गेनाइज जन्माष्टमी के प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो आज मुझे बेस्ट डेकोरेटेड डांडिया का भी अवार्ड मिला है, मुझे ब्यूटीफुल राधा रानी का भी अवार्ड मिला है और हमने राधा कृष्ण की झांकी के साथ खूब नृत्य किया है, खूब डांस किया है और डांडिया रास का परफॉर्मेंस भी दिया है। सो आज तो ऐसा लग रहा कि वृंदावन साक्षात आज फ्री बर्ड्स क्लब में पधार चुका है और बहुत 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 एंजॉय किया हमने। थैंक यू सो मच गुनीता दी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो एफर्ट्स हम डालते हैं तो जब उसको रिवॉर्ड किया जाता है तो मोरल भी बूस्ट होता है, मोटिवेशन भी मिलती है और अपने आप को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम परविंदर, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फ्री बर्ड क्लब एज वेल एज आई एम द डायरेक्टर ऑफ किड्जी पाम एनक्लेव। आज हमने यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट की क्लब की तरफ से, जिसमें कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस गुनीता बिंद्रा, उन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। सारी फ्रेंड्स ने, क्लब मेंबर्स ने डांडिया में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी गेम्स हुई, जिसमें आज का जो स्पेशल थीम था वो था आज की राधा और कृष्ण जी की रासलीला, जिसको देख के बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि हम लोग क्लब में नहीं वृंदावन में पहुँच गए। थैंक यू। मेरे को लगता है बिल्कुल जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, जो हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, जो वर्किंग नहीं होती, उनको लगता है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ देखो मोटिवेट करती हैं दूसरी को देख के, या किसी को लगता है कि नहीं लाइक ऐसे इवेंट में जाओ, एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं, तीसरी बार उसका मन करता ही है हर किसी का कि मैं भी कुछ ना कुछ करूँ लाइफ में। कैसा लग रहा है प्रोग्राम का डांस? बहुत ही अच्छा। मैंने अभी आपको लास्ट अल्फाज बताए, ऐसा लग रहा था हम तो वृंदावन में बैठे हैं।
क्या कहना चाहेंगे? जी आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। मैं गुनीता बिंद्रा फ्री बर्ड क्लब की प्रेसिडेंट एंड फाउंडर। आज हमारे क्लब में मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। सो आज हमारी राधा रानी और कृष्ण बनके हमारे बहुत सारे क्लब मेंबर आए और बहुत ही खूबसूरत राधा रानी और कृष्ण की परफॉर्मेंसेज हुई। इसके अलावा क्लब मेंबर्स ने डांडिया प्ले किया और डांडिया की बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेज हुई। गिफ्ट हुए, राधा रानी सेलेक्ट हुए, बेस्ट डांडिया प्लेयर सेलेक्ट किए। बहुत ही मस्ती और बहुत इन्जॉय किया। बिल्कुल ऐसे फंक्शन करवाए जाने चाहिए। अब आगे बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, हमारे करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, 14 नवंबर बच्चों को आ रहा है। तो हर त्यौहार हर फेस्टिवल के साथ फ्री बर्ड क्लब हमेशा रेडी रहता है। बिल्कुल, मैं लेडीज़ को बोलूँगी, हम घर के काम भी करते हैं, हम अपने बिजनेस भी करते हैं, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के जब हम कोई एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, कोई क्लब को ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको एक स्टेज मिलता है। एक जैसे हम बोलते हैं कि वी आर अ फ्री बर्ड, तो हम उनको वो फ्रीनेस देते हैं, हम वो बर्ड्स की तरह उन्हें फ्लाई करने का मौका देते हैं। वो क्लब में आएँ, अपनी परफॉर्मेंसेस करें, अपना टैलेंट दिखाएँ और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। यही फ्री बर्ड का लोगो रहा है हमेशा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका गर्ग है। मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे मैं फ्री बर्ड्स क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है जन्माष्टमी का प्रोग्राम, वहाँ पे आई हूँ। मैं भी फ्री बर्ड्स की मेंबर हूँ और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ फ्री बर्ड्स मेंबर उनका मेंबर होने पे। आज मुझे बेस्ट डांडिया डांस के लिए अवार्ड किया गया है। आज हमने बहुत इंजॉय किया, ऐसे लगा जैसे साक्षात कृष्ण जी के साथ गोपियाँ नाच रही हूँ। बहुत इंजॉय किया, साक्षात ऐसे लगा कि जैसे हम वृंदावन में पहुंच गए हों। और इसके लिए मैं गुनीता दीदी का थैंक यू कहती हूं, जो हर बार हर मंथ जो है एक नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक यू गुनीता दीदी। सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये देखिए मुझे डांडिया के लिए बेस्ट डांस के लिए अवार्ड भी दिया है उन्होंने, बेस्ट राधा रानी का अवार्ड, बहुत से और चीज़ों के अवार्ड्स दिए हैं। सबको अप्रिशिएट किया जाता है टाइम टू टाइम जो लेडीज़ आती हैं। और देखो हम अपने घर से निकल के आते हैं यहाँ पे, एकदम ऐसे लगा कि जैसे मन खुश हो गया, रिलैक्स हो गया और खूब झूम के नाचे। जैसे वृंदावन में कहते हैं ना कि बीच में कृष्ण जी साइड पे गोपियाँ नाच रही हैं घूम घूम के, हमने ऐसे सब ने खूब मज़े से नाच किया। ऐसे डांस प्रोग्राम क्लबों में होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और हमें पता है कि गुनीता दीदी आगे और भी बेटर से बेटर हर बार करती हैं और आगे भी करेंगी, और होना भी चाहिए क्योंकि लेडीज़ जो हैं घर पे पूरा दिन अपने अपने शेड्यूल में बिजी रहती हैं, उनको अपने माइंड रिलैक्सेशन के लिए ऐसे क्लब को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए।